Welcome back to the channel. Hope you all are doing really very good. आज है 5th August, Wednesday है and ये vlog मैं afternoon से start कर रही हूँ. आज का basically कोई plan ही नहीं था vlog बनाने का, but plan सुबह से बना है and plan इसलिए बना है क्योंकि सुबह दूध फट चुका था and दूध फटने के बाद मुझे लगा कि चलो इससे अंगूर रबड़ी बनाई जाए and आपके साथ share किया जाए. अंगूर रबड़ी बेसिकली जो रसगुल्ला होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं एंड अंगूर जो होते हैं वो छोटे साइज में बनते हैं, वो रबड़ी में ऐड करके बनाया जाता है. ऐसे शादी वगैरह में बहुत ही अच्छे से अंगूर रबड़ी मिलती है, मतलब की होती है मेन्यू में. सो आज मैं आपके साथ अंगूर रबड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, साथ में जो भी डिनर में बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग. तो सुबह जब मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा तो उसमें से पानी अलग होके ये पनीर अलग हो चुका था. उसके बाद इसे मैंने कॉटन के कपड़े में निकाल के 4 से 5 पानी से बहुत ही अच्छे से वॉश किया था. वॉश आपको बहुत ही अच्छे से करना है, नहीं तो इसके अंदर जो फटे हुए दूध की जो स्मेल होती है वो रह जाएगी एंड वो फिर खाते समय वो स्मेल आएगी जो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी. इसलिए बहुत ही अच्छे से इसे वॉश करके वो कॉटन के कपड़े में से सारा सा पानी निकाल के इसके ऊपर मैंने एक कोई भी वेट सा आपको कुछ भी रख देना है एंड 1 घंटे तक इसे छोड़ देंगे तो ये जो पनीर है वो पानी नहीं होगा वैसा तैयार हो जाएगा. एंड इसके बाद इसे हथेली की मदद से 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से प्रेस करना है. सो आप चाहे तो, ये क्वांटिटी तो बहुत ही कम है, आप चाहे तो 500 ml दूध का उसमें 1 लेमन जूस पानी में डाइल्यूट करके ऐड करके आप इस तरीके से पनीर छेना तैयार कर सकते हो. एंड इसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताई वो फॉलो करके इस तरीके से इसे हथेली की मदद से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम इसे स्मूथ कर लेंगे. इस तरीके से स्मूथ करने से रसगुल्ला बनाओ, रसमलाई बनाओ या अंगूर रबड़ी बनाओ, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से स्मूथ बनेगी. सो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं. इसके बाद इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे. इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर. अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हो, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करना है. इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से एक बाइंडिंग हो जाएगा इसमें एंड बहुत ज़्यादा आप ऐड कर दोगे तो ये जो है अंगूर रबड़ी बनाओ या फिर रस मलाई बनाओ या फिर रसगुल्ले बनाओ बहुत ही हार्ड हो जाएंगे. तो इसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी है. इसके बाद अगेन 1 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरीके से प्रेस करके स्मूथ कर देना है ताकि सारी चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए. सो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है. इसमें से अभी हम तैयार करेंगे हमारे अंगूर. सो बहुत ही छोटे साइज के इस तरीके से अंगूर हमें तैयार करने हैं. सो इस तरीके से 10 अंगूर इसमें से तैयार हुए हैं. क्वांटिटी बहुत ही कम है, बट कोई नहीं, इतनी ही क्वांटिटी चलेगी. एंड इसे कवर करके हम रख देंगे. कवर इसलिए किया है क्योंकि इसके ऊपर की जो परत है वो ड्राई ना हो जाए. फिर यहाँ पे हम चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/4 कप इसमें ऐड किया है शुगर एंड वो ही कप से 4 बार पानी ऐड करना है, यानी कि 4:1 का रेशियो रहेगा. तो आप 500 ml के लिए बना रहे हो, मतलब कि उतना आपके पास छेना है, तो आपको इसमें 1 कप शुगर ऐड करनी है एंड वो ही कप से 4 बार आपको पानी ऐड करना है. मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे गैस की फ्लेम एंड इसे मिक्स कर देंगे एंड इसमें बॉयल आने तक वेट करना है. मीनवाइल यहाँ पे रबड़ी की तैयारी कर लेती हूँ. तो यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, बट 200-300 ml जो है इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ. दूध में बॉयल आने तक वेट करना है, बाकी की प्रोसेस उसके बाद करेंगे. सो यहाँ पे दूध ऐड कर लिया है, इसमें बॉयल आने तक हमें वेट करना है. यहाँ पे बॉयल आ चुका है एंड ये जो मलाई ऊपर आई है उसको हमें इस तरीके से निकालते रहना है. कॉर्नर पे भी जो मलाई जमेगी उसे बार बार हमें निकालते रहना है एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो हमें रिड्यूस करनी है. मीनवाइल यहाँ पे चाशनी में बॉयल आ चुका है. बॉयल आने के बाद इसे हाई फ्लेम पे रखते हुए ही इसमें अंगूर ऐड कर देने हैं. अंगूर में क्रैक नहीं होने चाहिए
एंड ये अंगूर को 2 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे, उसके बाद इसे कवर करके आगे की प्रोसेस करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे दूध जो है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, उसकी क्वांटिटी बीच बीच में हमें चलाते रहना है। एंड वो सारी प्रोसेस हो रही है, उतनी देर में यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ, तो काजू बादाम एंड पिस्ता कट कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। एंड देखिए इसे 2 मिनट हो चुके हैं, इसकी साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है, फूल चुके हैं। इसे कवर करके 15 मिनट्स तक हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। दूध भी हमारा यहाँ पे बॉईल हो चुका है, ये रिड्यूस हो चुका है दूध, तो ये इसमें आगे की प्रोसेस करते हैं। सो यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, बट आप 1 लीटर दूध की यहाँ पे रबड़ी बना रहे हो तो आपको 1/2 कप शुगर ऐड करनी है। एंड इसमें भी आप शुगर ऐड करना चाहे तो 1/4 कप शुगर ऐड कर सकते हो, या फिर आपको जितना मीठा पसंद है इतना। मेरे पास कंडेंस मिल्क था तो मैंने 4 चम्मच इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लिया है। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद अगेन इसे मिक्स कर देंगे। ये स्टेज पर आप इलायची पाउडर ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, मैंने बाद में ऐड किया था। एंड यहाँ पे अंगूर को ही ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है। एंड ये हमारे अंगूर जो है अभी पकने बाकी है, अगेन इसे कवर करके 15 मिनट्स तक हम कुक होने देंगे। मीनवाइल दूध में भी थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी हमें रिड्यूस करनी है, एंड वो हो चुकी है। इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। इलायची, 2 इलायची को मैंने कूट लिया था वो ऐड कर दिया है, एंड अगेन इसे मिक्स कर लेंगे। तो साइड में जो मलाई जमती है ना वो स्पेशली हमें निकालते रहना है। एंड इसके बाद इसमें थोड़े से मैं केसर के धागे ऐड कर रही हूँ जो ऑप्शनल है, इससे कलर एंड फ्लेवर एंड टेस्ट तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से आएगी, इसलिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केसर एंड इलायची पाउडर। अगेन इसे मिक्स करके 4 to 5 मिनट्स तक कुक करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे जो अंगूर है वो कुक हो चुके हैं। यहाँ पे एक बाउल में मैं बहुत ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ, बर्फ़ वाला पानी ऐड करना है। उसके बाद आपको अंगूर इसमें ऐड कर देने हैं। आप वो ही गरम चाशनी में रखोगे ना तो अंगूर फ्लैट हो जाएंगे, इसके लिए आपको ये ठंडे पानी में अंगूर जो है वो ऐड करने हैं। तो ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसे 5 to 7 मिनट्स तक रबड़ी को कुक किया था, उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करके इसे बाउल में निकाल लिया है। एंड इसमें ये ल्यूक वॉर्म हो जाए रबड़ी, उसके बाद इसमें हमें अंगूर ऐड कर देने हैं ताकि दूध का जो फ्लेवर है वो अंगूर में आ जाए। एंड इसे कवर करके 1 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। एंड बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। सो ये जो अंगूर रबड़ी है इसे अंगूरी रस मलाई भी कहा जाता है, ये तैयार हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं आगे डिनर की तरफ। तो आज मैं इंस्टेंट बेसन ढोकला बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने छलनी रखी है। इसमें 1.5 कप बेसन ऐड करना है, बेसन को छान के ही ऐड करना है, इसलिए 1.5 कप यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। आपके पास कोई मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1.5 कप यहाँ पे बेसन ऐड करके इसे छान लेंगे अच्छे से। तो बेसन को छानना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसे छान लिया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सूजी, बारीक वाली जो सूजी होती है वो यहाँ पे ऐड करनी है। मैंने 3.5 चम्मच ऐड की है, टेबलस्पून। सो बड़ी चम्मच आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड अगर आपके पास है तो यहाँ पे 3.5 टेबलस्पून मैंने ऐड की है। उसके बाद इसमें तकरीबन 1 कप तक पानी गया था। देखिए ये पानी जो है वो आपके बेसन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, सो पानी आप ध्यान से ऐड कीजिए। एंड इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। सो 1 कप पानी यहाँ पर मैंने ऐड किया था, सो स्लोली स्लोली पानी ऐड करना है। एंड इसका स्मूथ कंसिस्टेंसी का, मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार करना है। सो इसे बीट करते रहना है अच्छे से। सो 2 से 3 मिनट तक पानी ऐड करके इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। एंड ये हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है, इसे हम 20 मिनट्स तक रेस्ट देंगे। सो यहाँ पे 20 मिनट तक इसे कवर करके छोड़ देना है। 20 मिनट हो चुके हैं,
उसके बाद इसमें मैं 2 से 3 ग्रीन चिली एंड 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे फाइनली चॉप किया है वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्रीन चिली एंड अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हो, या फिर आपको जितना तीखा पसंद है उतना। पिंच ऑफ हींग ऐड कर दी है, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करनी है, हल्दी बहुत ज़्यादा ना ऐड कीजिए। इसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, 1.5 चम्मच इसमें ऐड किया है लेमन जूस, सॉल्ट टू टेस्ट एंड थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। ये सारे चीज़ ऐड करके हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है वापस 1 से 2 मिनट तक। तो ये अच्छे से फेंट लिया है मैंने, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे एंड लास्ट स्टेप पे, एंड वो है इसमें इनो या फिर आप बेकिंग सोडा ऐड करना। उससे पहले आप जो जिसमें भी बनाने वाले हो, तो ये यहाँ पे ये ट्रे में मैं बनाने वाली हूँ जिसे मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से अच्छे से। इसके बाद ये बैटर में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, या फिर आप 1 टीस्पून इनो ऐड कर सकते हो, एंड 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। एंड इसे 1 मिनट तक वापस अच्छे से फेंट लेंगे एंड ये बैटर तैयार है। अभी हमें कोई भी देरी नहीं करनी है, ये बैटर तुरंत हमें ये ट्रे में ऐड कर देना है। एंड मैंने पानी ऐड करके ऑलरेडी कढ़ाई में पानी ऐड करके उसे गर्म करने के लिए रख दिया था, 5 से 10 मिनट तक मैंने प्री हीट कर लिया था। उसमें मैं ऐड कर दूंगी ये ट्रे एंड हमें इसे 20 मिनट्स तक लो फ्लेम पे कुक करते रहना है। सो बस इसे कवर कर देना है एंड ये जो लीड है उसे भी कवर कर लेंगे, टिश्यू पेपर जो है उसका एक रोल बना लेंगे एंड इसे 20 मिनट्स तक हम छोड़ देंगे। मीनवाइल यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, सब्जी मॉर्निंग में जो बनाई थी लंच के लिए वो है। तो ढोकला है बेसन का एंड रोटी बना रही हूँ यहाँ पे, ये डिनर हो जाएगा एंड स्वीट में अंगूर रबड़ी हो जाएगी। सो रोटी है यहाँ पे मैं सेक रही हूँ। मीनवाइल 20 मिनट्स हो चुके हैं, इसे चेक कर लिया है एंड ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। तो इसे 10 मिनट जैसा लगेगा ठंडा होने में। उसके बाद इसे इस तरीके से कॉर्नर से निकाल देना है नाइफ़ की हेल्प से एंड इसके बाद इसे इस तरीके से डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसे सीधा कर लिया है, फर्स्ट मैं इसे कट कर लूँगी, उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट लगा के इसे कट कर लेंगे एंड ये टेस्टी एंड झटपट इंस्टेंट बन जाता है। ये ढोकला भी अच्छा रहता है, इसके साथ आप ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व कर सकते हो। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किया है ऑयल, इसमें मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून ऐड करूँगी यानी कि राई। देन इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है तिल 1 टीस्पून, हींग थोड़ी सी ऐड की है, थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ी सी शुगर एंड एक ग्रीन चिल्ली मैंने स्लिट करके ऐड की है एंड आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट में लेमन जूस ऐड करके इसका एक तड़का तैयार कर लिया है, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ढोकले हमारे तैयार हो चुके हैं। सो बस यहाँ पे मैंने तड़का लगा लिया है एंड बहुत ही सॉफ्ट से ये बने हैं, स्पॉन्जी बने हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। सो खाना बन चुका है, निकुंज निकल चुके हैं, बस आते ही होंगे। सो मैं आपको ट्रैफिक दिखाती हूँ यहाँ का। लुक एट दिस, ये पूरा रोड है ना, ये डेली का ऐसा ही रहता है ये टाइम पे स्पेशली। एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये वाला रोड जो है वो रोड भी पैक हो जाएगा। तो ये रोड शाम के टाइम पे ऐसे ही रहता है ट्रैफिक वाला, ये वाला। सो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। एंड अगर आप ये चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को एंड सब्सक्राइब किया हुआ है तो बाजू में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।